हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ नीलम व्यास। आज मैं आपके साथ मेरा इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ। बच्चों को स्कूल से लेके आते वक्त मैं सब्जियाँ लेके आई थी, तो सब्जियों में पहले मैंने मटर छील के एक डब्बे में रख दिए हैं, और अभी मैं जो प्याज लाई थी तो प्याज को भी मैं बारीक बारीक काट के डब्बे में रख दूँगी। तो जब भी मुझे सब्जी बनानी होगी ना, तो ये काट के रखे रहेंगे तो बहुत आसानी से और जल्दी से सब्जियाँ बन जाएगी। हाँ, अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आज खाना कुछ ज़्यादा नहीं बनाना है, इस वजह से मैं आज ये सारा काम लेके बैठी हूँ। तो ये सब्जी भी मेरी कट के तैयार हो चुकी है। अभी इन दोनों डब्बों को मैं फ्रिज में रख दूँगी, और साथ ही में मैं गाजर भी लेके आई थी। तो गाजर मुझे काटने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो अभी जब भी फ्रिज खोला तब मुझे याद आया कि गाजर अगर नहीं काटूंगी तो गाजर बहुत ही नरम हो जाएंगे, तो इसीलिए अभी मैंने गाजर निकाल दिए हैं और गाजरों को भी मैं अभी काट लूँगी। और आज मैं मूंग दाल स्कूल जा रही थी बच्चों को लेने के लिए, उस वक्त जो पीली वाली मूंग दाल होती है ना, उसे मैं भिगा के गई थी। मैंने सोचा था आज उसमें से ही मैं कुछ बना दूँगी, तो इसलिए मैंने एक हरी मिर्च भी मोटी वाली निकाली है और एक अदरक का टुकड़ा निकाला है। तो सबसे पहले मैं गाजरों को साफ़ कर दूंगी, और गाजरों को छीलने के बाद उसे मैं रख दूंगी, ताकि जब भी गाजर बच्चों को खाना हो या फिर उसकी सब्जी बनानी हो तो तैयार रहेंगे गाजर साफ़ करके, तो बच्चे भी आसानी से खा पाएंगे और हमें सब्जी फटाफट से हम बना पाएंगे। तो पहले मैं गाजरों को साफ़ करके रख देती हूँ, और साथ ही साथ मैंने आज जो मसाला दानी होती है ना, उसे भी मैंने दोपहर में साफ़ किया था, तो जो मसाले भरने थे वो भी मैंने आज भर दिए, और जो बॉटल खाली हो गई थी तो वो बॉटलों को भी आज मैंने धो दिया है। मानो आज का पूरा दिन मेरा साफ़ सफाई वाला ही गया है। कभी कभी ऐसा भी दिन आ जाता है कि बहुत सारा काम हम पूरा दिन करते ही रहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे दिन छोटा हो गया है। तो अभी सब्जियां साफ़ करके उसे रख दूंगी, और ये सुबह दोपहर से मैंने ये सारी साफ़ सफाई निकाली थी, तो अभी जो बॉटलें हैं वो सूख चुकी है, तो अभी ये सब्जियों का काम पूरा होने के बाद प्लेटफॉर्म क्लीन कर दूंगी, और उसके बाद बॉटलों को भी मैं अपनी जगह पे रख दूंगी, और जब भी मसाला लाऊंगी तो वो मसाला उसमें भर दूंगी। तो अभी ये देखिए बॉटलें हैं, तो अभी उन्हें मैं बंद करके अपनी जगह पे रख देती हूँ, और ये मेरा काउंटर टॉप पूरा खाली हो चुका है। और अभी ये देखिए दाल मैंने भिगो के रखी थी ना, उसे मैंने अच्छे से धो दिया है और ये दाल बहुत ही अच्छे से भीग चुकी है। तो अभी मैं मिक्सर निकाल रही हूँ, ये मेरा कबर्ड है, छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो कबर्ड में से मैंने मिक्सर निकाला है, और अभी दाल को मैं पीस लूँगी। तो मैं दाल के वड़े बनाने वाली हूँ, तो दाल अच्छे से भीगी रहेगी ना, तो उसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना होता है, और मिक्सर को है ना हमें रुक रुक के चलाना होता है, तो इससे है ना दाल बहुत ही अच्छे से पीसती है, उसमें दाने भी रह जाते हैं और कुछ कुछ दाल पीस जाती है। तो ऐसे ही जब ही चबाते हैं ना वड़ों को, तभी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए ये हमारा एक बैच इस तरह से तैयार हो चुका है, तो मैंने उसी तरह से सारा पीस लिया है, और ये जो धनिया पत्ती, हरी मिर्च और अदरक मैंने काट के रखा था उसे अभी मैं पीस लूँगी, और उसे ये दाल के अंदर डाल दूँगी, ताकि दाल में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाए, और उसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिया है। और अभी इन सबको अच्छे से मिला के इसके मैं वड़े बना लूँगी, और जो दूसरा बैच मैंने अलग निकाला था वो थोड़ा ज़्यादा था, तो उसे मैंने फ्रिज में रख दिया है पैक करके, उसका फिर मैं कभी फिर से बच्चों को कल या शाम को या सुबह इसके वड़े या जो भी उन्हें खाना है वो बना के उन्हें दे दूंगी। तो अभी मैं छोटे छोटे से वड़े कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है, और वड़ों को मैं उसी में ही डाल के फ्राई कर लूँगी। तो देखिए हमारे बहुत ही यम्मी वाले वड़े, और ये इंस्टेंट वड़े हैं मूँग दाल के, बन के तैयार हो चुके हैं, और इसे गोल्डन कलर का हमें फ्राई कर लेना है, और इसी तरह से मैं सारे बैच थोड़े थोड़े करके फ्राई कर लूँगी, और ये खाने में ना बहुत टेस्टी लगते हैं। दाल में वैसे भी प्रोटीन ज़्यादा रहता है, बच्चों को खिलाओ, बड़ों को खिलाओ, सबको पसंद आए वैसे ये मूंग दाल के वड़े हैं। फ्रेंड्स, रेसिपी अगर अच्छी लगती है ना, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरी चैनल को पहली बार देखते हो तो मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए मैं आपको एक वड़ा तोड़ के दिखा रही हूँ,
और तोड़ने के बाद मुंह में पानी तो आ ही जाता है, तो मैंने वो वड़ा खा लिया है। वड़े बहुत टेस्टी बने हैं, तो आप लोग भी खा लीजिए और आप बनाइए और ये वड़ों को एंजॉय कीजिए। ये ब्रेकफास्ट में भी अच्छे लगते हैं या डिनर में भी ले लीजिए। हमारा आज का डिनर यही था, क्योंकि बच्चों को जब ऐसा कुछ खाने का मन होता है ना, तो मैं ऐसा कुछ बना ही लेती हूँ। और साथ ही साथ मेरा किचन क्लीनिंग भी चालू रहता है, तो बाउल मैंने धो दिया है और अब ये प्लेटफॉर्म भी मैं क्लीन कर दूंगी। और ये रोज का ही मेरा काम रहता है, किचन इसी तरह से मैं साफ करती हूँ। तो वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ। बाय बाय।